भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला बारबाडोस के ब्रिज टाउन में खेला गया। इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। वेस्टइंडीज के बल्लेबाज पहली पारी में पूरी तरह से भारतीय गेंदबाजों के सामने सरेंडर करते दिखे और 23 ओवर में 114 रन बनाकर पूरी टीम आउट हो गई। भारत को जीत के लिए 115 रन का आसान लक्ष्य मिला, जिसे टीम इंडिया ने 5 विकेट से जीत लिया। भारत की जीत में ईशान किशन की पारी का बड़ा योगदान रहा, जिन्होंने 52 रन बनाए हैं। भारत ने जीत के लिए मिले लक्ष्य को 22 ओवर 5 गेंदों में हासिल कर लिया और इस मैच में जीत के साथ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। कुलदीप यादव को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला। उन्होंने 4 विकेट झटके। इस मैच में रोहित शर्मा जहां 7वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए, तो वहीं विराट कोहली बल्लेबाजी के लिए नहीं उतर पाए। वेस्टइंडीज ने होम ग्राउंड पर भारत के खिलाफ सबसे छोटा स्कोर बनाया। इससे पहले टीम 1997 में पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत के खिलाफ 121 रन पर ऑल आउट हो गई थी। ओवरऑल रिकॉर्ड की अगर बात करें तो विंडीज का भारत के खिलाफ यह दूसरा सबसे छोटा स्कोर रहा। इससे पहले टीम 2018 में तिरुवनंतपुरम में 104 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। टीम इंडिया की ओर से कप्तान रोहित शर्मा की जगह पर ओपन करने उतरे ईशान किशन और कुलदीप यादव ने मैच जिताने वाला प्रदर्शन किया। ईशान किशन ने करियर का 4था वनडे अर्धशतक जमाया। इस मुकाबले में भारतीय स्पिन जोड़ी रविंद्र जडेजा और कुलदीप यादव के सामने पूरी तरह संघर्ष करते हुए दिखाई दी। जडेजा ने जहां गेंद से 3 विकेट हासिल किए, तो वहीं कुलदीप यादव के खाते में कुल 4 विकेट आए। वेस्टइंडीज की तरफ से कप्तान शाई होप के बल्ले से 43 रनों की पारी देखने को मिली। इसके अलावा टीम के 7 खिलाड़ी दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाए। वेस्टइंडीज को ऑल आउट करने के बाद कप्तान रोहित शर्मा के बजाय गिल किशन की युवा जोड़ी को ओपन करने भेजा। उसके बाद कोहली की जगह पर सूर्य कुमार यादव नंबर 4 पर पांड्या को बैटिंग करने के लिए मौका मिला। इतना ही नहीं, रोहित खुद शार्दुल ठाकुर के आउट होने के बाद नंबर 7 पर बैटिंग करने उतरे। रोहित 12 साल बाद इस पोजिशन पर बैटिंग करने के लिए उतरे। इससे पहले 2011 में नंबर 7 पर वो खेलने उतरे थे। अब दोनों टीमों के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच 29 जुलाई को खेला जाएगा।